सो टुडेज टॉपिक इज एंटी कैंसर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन विद स्ट्रक्चर ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग। तो फर्स्ट आता है हमारे पास एटलाइटिंग एजेंट, उसके अंदर आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर काफ़ी ड्रग्स हैं, मैंने दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड ये उसका स्ट्रक्चर है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। एंड क्लोरम्बुसिल, क्लोरम्बुसिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, COH थ्राइस और CH2, फिर बेंजीन रिंग, फिर CH2 CH2 Cl ट्वाइस। फिर आता है हमारे पास इथाइलिनामाइंस। इथाइलिनामाइंस में आता है थायोटेपा। थायोटेपा का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, फॉस्फेट लेंगे बीच में हाइड्रोजन सल्फर एंड डाइथाइल, मतलब डाइथाइलिन इथाइल ग्रुप लगता है साथ में। फिर आता है अल्काइल सल्फोनेट। अल्काइल सल्फोनेट में ब्यूसल्फन एंड ब्यूसल्फन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, जो देखो CH3 इधर लग रहा है ना, CH3SO3 हो गया ना SO3। फिर ब्यू है ना, ब्यू मतलब ब्यूटेन होता है, तो मान लो ये चार कार्बन हमने लगा लिए बीच में और ये वाला ग्रुप सेम इधर ही इधर आया ना, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। फिर आगे नाइट्रोसो यूरिया, फिर एक कामस्टिन है, कामस्टिन का स्ट्रक्चर भी सिंपल ही है। फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ में, अगर आपको करना है तो नहीं तो पॉज कर सकते हो। ट्रायजिन्स, डाकाबाजिन्स, इसमें ये स्ट्रक्चर आता है डाकाबाजिन्स का। फिर आता है एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है फोलेट एंटागोनिस्ट, फोलेट एंटागोनिस्ट आता है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट में स्ट्रक्चर देखो, इसकी एरोमेटिसिटी एक रिंग, एक बेंजीन रिंग की बनानी है, दूसरे की नहीं बनानी है, दूसरे को डबल बॉन्ड ही आएगा, बाकी स्ट्रक्चर सिंपल है, CH2NaCO CH3COH। फिर आता हमारा प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में देखो दोनों स्ट्रक्चर सिंपल है, मरकैप्टोप्रिन थायगुआनिन। मरकैप्टोप्रिन का स्ट्रक्चर देख लो, इधर डबल बॉन्ड है, इधर ये सेम है, बस मरकैप्टोप्रिन में ये थायो ग्रुप लगा होगा, इधर भी थायो ग्रुप लगा है, मरकैप्टोप्रिन में बस ये अमाइनो ग्रुप नहीं लगा होगा, और मरकैप्टोप्रिन में अमाइनो नहीं लगा होगा, थायगुआनिन में अमाइनो ग्रुप लगा होगा। फिर आता है पिरामिडिन एंटागोनिस्ट। पिरामिडिन एंटागोनिस्ट आदि फाइव फ्लोरोयूरेसिल्स में आता है, देखो बेंजीन रिंग है, फ्लोरो ग्रुप है फिफ्थ पोजीशन पे। नाइट्रोजन से शुरू करेंगे, फाइव फिफ्थ पोजीशन पे, जैसे 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे आ गया फ्लोरो। फिर आता है विनकलकुलर्स, विनकुलिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये स्ट्रक्चर आपको आता होगा, सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर आता है हमारे पास टैक्सिन, स्पेक्सिल टैक्सिडोसिस, एक्सलपोडो फाइटोटॉक्सिन, ये सारी क्लासिफिकेशन आती है, आप पॉज कर सकते हो। सिस प्लेटिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम NH2 NH2 Cl Cl। फिर आते हैं हमारे पास हॉर्मोन्स एंड देयर एंटागोनिस्ट। हॉर्मोन एंटागोनिस्ट में टैमोक्सिफेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सारी क्लासिफिकेशन है, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजन, SERM सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, एरोमेटाइज इनहिबिटर्स, एंटी एस्ट्रोजन, 5 अल्फा प्रोटेक्टेज इनहिबिटर। टैमोक्सिफेन का स्ट्रक्चर भी सिंपल है, पहले CH3 ट्वाइस लगाना है, फिर CH2 ट्वाइस लगाना है, बेंजीन रिंग लगा देना है, और ये लगाना। टैमोक्सिफेन की सिंथेसिस भी आपके सिलेबस में, थायोटेपा की सिंथेसिस भी है, क्लोरम्बुसिल की सिंथेसिस भी है, अगर आप चाहो तो मैं सिंथेसिस की वीडियो अलग से बना दूंगा, और अगर किसी और ड्रग का स्ट्रक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये पूरे एक क्लासिफिकेशन होगी विद स्ट्रक्चर्स।